संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज होते ही सदन में हंगामा मच गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। और वो जो सवाल उन्होंने उठाया था, हमारे सदन को कोई संबंध नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल जी ने वहां के कॉलेजों में और सेमिनार में कहा था, उस बात को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। एक तो रूल्स के तहत ये गलत है,